नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं स्नेहा भारती आपके साथ। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद से लगातार ये कयास लगाए जा रहे थे कि कांग्रेस में बड़ी टूट हो सकती है, कांग्रेस के विधायक टूट सकते हैं, बड़ी संख्या में टूट हो सकती है। इस तरह के कयास लगाए जा रहे थे, खबरें भी आ रही थी। हालांकि अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है। आपको बता दें कि बिहार कांग्रेस लगातार मजबूत होती जा रही है। पिछले दिनों भी 50 से ऊपर नेताओं ने कांग्रेस का दामन थामा था। जदयू के भी नेता और एलजेपी के भी नेता शामिल थे, और एक बार फिर से आज कांग्रेस का दामन कई नेताओं ने थामा है। आपको बता दें कि कुम्हरार विधानसभा सीट से निर्दलीय पूर्व प्रत्याशी विनोद कुमार पाठक ने भी कांग्रेस का दामन थामा है। विनोद कुमार पाठक ने अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं और समर्थकों के साथ कांग्रेस का दामन थामा है। तो देखा जाए तो कहीं ना कहीं कांग्रेस मजबूत हो रही है। बिहार में कांग्रेस अपना संगठन मजबूत करते हुए नजर आ रही है। ये लोग अभी तक कोई पार्टी में मुख्य रूप से सक्रिय नहीं थे, लेकिन उन्होंने प्रण लिया जो कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए, राहुल गांधी जी के नेतृत्व को मजबूत करने के लिए ये लोग तन मन धन से पार्टी की सेवा आज से करेंगे। मैं इनका तहे दिल से कांग्रेस पार्टी में स्वागत करता हूँ और शुक्रिया करता हूँ। पार्टी के कार्यक्रम को देख करके इनके मन में जो भावना आई उसके अनुकूल उन्होंने काम किया। आप सभी जानते हैं जो एक महीना के अंदर हम लोग ने 29 जिला का दौरा किया है। हमारे जो प्रभारी भक्ति चरण दास जी हैं, नए आए हैं और सबसे वो जिला का दौरा कर रहे हैं। देश में जो समस्या है उसके बारे में आप लोग जानते हैं। देश में शिक्षा का समस्या है, स्वास्थ्य का समस्या है, महिलाओं का समस्या है, बेरोजगारी का समस्या है, अर्थव्यवस्था का समस्या है, डीजल पेट्रोल गैस का समस्या है, लेकिन भारत सरकार ने उन सब से डाइवर्ट करके किसान विरोधी 3 बिल ला दिया। कांग्रेस के राष्ट्रीय नेता हैं श्रीमती सोनिया गांधी जी, राहुल जी, प्रियंका जी, भक्तचरण दास जी, या जो भी देश के कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है और बिहार के, सबको हाथ जोड़कर सादर प्रणाम करता हूँ। आज हम कांग्रेस ज्वाइन कर रहे हैं और सेवा के लिए ज्वाइन कर रहे हैं। हमको कोई लालच नहीं है, कोई लालच नहीं है, और कांग्रेस से प्रभावित होकर के ऐसे भी हम लोग मेंटली कांग्रेस समर्थक थे, हैं और रहेंगे। लेकिन बीच में कुछ ऐसा कारण रोजी रोजगार व्यवसाय के चक्कर में आदमी। आज कांग्रेस कार्यालय में विनोद कुमार पाठक ने मदन मोहन झा की अध्यक्षता में कांग्रेस का दामन थामा। तो कहीं ना कहीं कांग्रेस मजबूती के साथ खड़ी है। बिहार विधानसभा चुनाव के बाद लगातार कांग्रेस में खिटपिट मची हुई थी और कांग्रेस की किरकिरी भी हो रही थी। बिहार कांग्रेस में टूट की आशंका जताई जा रही थी, लेकिन अब कांग्रेस मजबूत होते हुए नजर आ रही है। तो ये अच्छी खबर है कांग्रेस के लिए। अगर आपको ये खबर अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कीजिएगा। धन्यवाद।